कैंट थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि अभियुक्त शहजादे पुत्र अजीज उल हक निवासी पहाड़पुर तुर्कमानपुर वार्ड नंबर 54 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर व उसके साथी सलाम पुत्र अब्दुल रहीम निवासी नकी रोड बसंतपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। इस गिरोह द्वारा शहर के कई थाना क्षेत्रों में लूट व छिनैती जैसे अपराधकारित किया जाता है। 15 अप्रैल को अभियुक्त शहजादे व उसके साथी सलाम वी पार्क के पास अपराधकारित करने की फिराक में थे, जहां पर थाना कैंट पुलिस द्वारा लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिस दौरान लुटेरों द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया था। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त शहजादे के कब्जे से थाना कोतवाली क्षेत्र के डीएवी कॉलेज के पास से एक लड़की से लूटी गई मोबाइल, 19 अप्रैल को बिलंदपुर में प्रताप कोचिंग के पास से एक महिला के गले से छीने गए सोने की चेन के बेचने से प्राप्त 10,000 रुपया, घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल व पुलिस बल पर की गई फायरिंग में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, एक अदद जिंदा व एक अदद खोखा कारतूस को बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया गया था, जिसको देखते हुए दोनों अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिससे कि अपराधियों में भय व्याप्त हो और इस तरह की घटना होने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट द्वारा राजघाट थाने के दो चैन स्नेचर और मोबाइल स्नेचर्स, जिनकी वजह से महिलाओं को सड़क पर चलना दुभर हो गया था, उनके खिलाफ आज थाना कैंट द्वारा गैंगस्टर का मुकदमा 830/22 दर्ज किया गया है। इसमें शहजादे और सलाम ये दो अभियुक्त हैं, जिनके जिसमें शहजादे के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं एवं सलाम के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हैं। ये गैंग बना के मोटरसाइकिल पे चैन एवं मोबाइल छिनैती की घटनाएं कारित किया करते थे। इनके गैंगस्टर लगने से क्षेत्र में चैन छिनैती और मोबाइल छिनैती की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। थैंक यू।